BitTorrent, BTTC। अब बहुत सारे लोगों को BitTorrent में एक कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई BitTorrent कौन सा है और BitTorrent न्यू कौन सा है, BitTorrent ओल्ड कौन सा है। तो भाई सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, BitTorrent क्या है, BitTorrent न्यू क्या है, BitTorrent ओल्ड क्या है, BTT क्या है, BTTC क्या है, और उसके बाद हम जाएंगे कि BitTorrent आने वाले फ्यूचर में क्या कर सकता है, क्या पोटेंशियल है उसमें। सबसे पहले BitTorrent जो है वो पहले BitTorrent नाम था उसका, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, BTT। तो बाद में जाके जब वो माइग्रेट हुआ तो उसका नाम हो गया BitTorrent न्यू, और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो चेंज हो क्या हो गया, BTTC। साथ में उसके साथ चेंज जुड़ गया, चेन आ गया उसमें, तो इसीलिए उसका नाम हो गया BTTC। अब BTTC जो है वो BitTorrent न्यू है और BTT जो है वो BitTorrent ओल्ड है। जो पहले BitTorrent था उसको BitTorrent ओल्ड कर दिया गया है, बाद में जो माइग्रेट हुआ उसको BitTorrent न्यू कर दिया गया है। BitTorrent ओल्ड जो है उसका नाम है BTT, BitTorrent न्यू जो है उसका नाम है BTTC। तो ये चीज़ आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो हम ट्विटर हैंडल शो करते हैं उस ट्विटर हैंडल में BitTorrent लिखा हुआ होता है और वो 2009 से है ट्विटर हैंडल, तो इसीलिए क्या पुराना कॉइन का BitTorrent वो ट्विटर हैंडल है? नहीं भाई, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बस जैसा एक एम्प्लॉई ने अपना रूम का एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर पर अपना चेयर जैसे शिफ्ट किया है, सिर्फ उसी तरह BitTorrent जो है कॉइन सिर्फ माइग्रेट हुआ है, उसने अपना घर जो है उसको चेंज नहीं किया है। BitTorrent का जो सभी कुछ चीज़ें है, ट्विटर हैंडल, फेसबुक, जो भी जगह उसका सोशल साइट्स है, वो सब उसका सही जगह पे है, लेकिन सिर्फ उसने अपना चेन नया बनाया है, उसने अपना सिर्फ माइग्रेट किया है कॉइन को। तो वो चीज़ आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो ट्विटर हैंडल है वो जैसा था वैसा ही है, वही ट्विटर हैंडल है, सिर्फ उसने BitTorrent से BitTorrent न्यू पे गया, BTT से BTTC में गया है, और कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं BitTorrent में क्या फ्यूचर है, क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकता है आने वाला टाइम में। BitTorrent एक ऐसा कॉइन है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो कर रहा है, नया नया बड़े बड़े कंपनीज के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, और वो बड़ी बात यह है कि वो खुद से जाके इंटीग्रेट नहीं होते हैं, होता है उसका जो उसको प्रोटोकॉल जो है उसको लेने के लिए दूसरा कंपनी जो है उसके पास आता है, क्योंकि उसको पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज तरीके से फाइल शेयरिंग का ये जो प्रोटोकॉल है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट और यूनिक उसी के पास है। और करंटली तो ये ऐसा कॉइन बन चुका है जिसमें इंटरऑपरेबल हो सकता है, मतलब ये एक हेटेरोजीनियस कॉइन है, हेटेरोजीनियस चेन है इसका, जो कि एक इंटरऑपरेबल काम कर सकता है, मतलब किसी भी चेन में, किसी भी सिस्टम में जो कि एक शिफ्ट हो सकता है, स्वैप कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ें ला रहा है, एक यूनिक चीज़ें लाया है BitTorrent ने, इसीलिए ये सभी कुछ चीज़ें देख के हम ये बोल सकते हैं कि BitTorrent में कितना पोटेंशियल है। BitTorrent ने एक दो बेयर मार्केट नहीं झेला है, BitTorrent ने कितना बड़ा बड़ा बेयर मार्केट झेला है, क्योंकि वो 2009 से है। बिटकॉइन का पहले से भी ये कॉइन है, बिटकॉइन का पहले से भी। तो अभी करेंटली BitTorrent जो है उसका सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो शायद बिटकॉइन का उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाया, उसके साथ टक्कर नहीं दे पाया, लेकिन अल्टीमेटली वो इतना पुराना कॉइन है। उसको जब से इसका हाइप शुरू हुआ तब से, जब इसको मतलब ट्रोन का फाउंडर ने एक्वायर किया था, उसका पहले उसको हम किस नज़र से देखते थे, एक फ्रॉड नज़र से देखते थे। क्यों फ्रॉड, ऐसा फ्रॉड नहीं, मतलब उसको हम दूसरा तरीके से बाईपास से डाउनलोड अपलोड करने में हम यूज़ करते थे। आप सब लोगों को अगर पता होगा कि अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है जियो का आने से पहले, अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है तो मैक्सिमम लोगों ने टोरेंट का मदद लेकर डाउनलोड किया है, तो वही टोरेंट जो है वो आज का BitTorrent है। तो इसीलिए BitTorrent में एक पोटेंशियल जो है वो बनता जा रहा है, और पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। ये कॉइन कब क्या बवाल करेगा आपको और हमको पता नहीं है। इसमें जो चीज़ें हो रहा है ना, इतना धमाकेदार चीज़ें हो रहा है अभी करंटली, इसमें इसका जो अपडेट्स है वो धड़ाधड़ अपडेट्स आ रहा है। इसका जो मेंबर्स है, इसका जो टीम है, इसका जो डेवलपर्स है, वो इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्या ही बताएं, हर एक चीज़ का, हर एक मूवमेंट का आपको एक्टिवली अपडेट देते रहते हैं। तो इसीलिए ये सभी चीज़ों को हम अगर एनालाइज करें, ये सभी चीज़ों को अगर हम देखें, तो कॉइन में मैक्सिममली जो चांसेस बढ़ जाता है किसी भी कॉइन का पंप का या किसी भी कॉइन का ऊपर जाने का, तो उसका टीम, उसका मेंबर, उसका इकोसिस्टम क्या कर रहा है वो देख के, और सबसे इंपॉर्टेंटली उसका ट्विटर हैंडल। करंटली आज का दिन एक कॉइन का ट्विटर हैंडल सिर्फ ट्विटर हैंडल नहीं रहा, वो एक मतलब एक बहुत बड़ा उनका हथियार बन गया है। जिस भी कॉइन में ट्विटर हैंडल का फॉलोअर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो कॉइन एक अच्छा खासा हमको ग्रोथ दिखाता है। तो अभी चलिए हम सीधा चलते हैं हमारा पीसी का स्क्रीन पे, देखेंगे BitTorrent का क्या चल रहा है, क्या नया अपडेट है, तो फटाक से हम देख लेते हैं। अभी करंटली अगर हम बात करें यहाँ पे BitTorrent का, यहाँ पे देख सकते हैं क्या अपडेट्स आ रहा है। BitTorrent जो है आज का दिन यहाँ पे 0.35% इंक्रीमेंट किया हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है अगर पिछला दिन का मुकाबले।
काफ़ी सारा चीज़ें जो है वो इसमें आ रहा है। इसमें हम एक ऐसा नॉर्मली डेली बेसिस पे इसमें हम मतलब जो बेनिफिट है वो देखने को नहीं मिलता है। ये कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो कि एक खजाना जो है, एक छुपा हुआ कई जगह पे एक खजाना है, इस टाइप का कॉइन है। जब उसको वो निकलेगा, जब उसको निकाला जाएगा, मतलब जब उसका वैलिडिटी एक बार क्रिएट हो जाता है, एक बार क्रिएट हो जाएगा, तब हमको इस कॉइन में बवाल करते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कॉइन जो है एक काफ़ी तगड़ा कॉइन है। ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग जो है मतलब मार्केट पे, इंडस्ट्री पे, क्रिप्टो इंडस्ट्री पे, अगर जब से क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का बात आ रहा है, जब से क्रिप्टो करेंसी को लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तब से इस कॉइन को लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तब से बिटटॉरेंट है, बीटीटी का नाम से बिटटॉरेंट था। तो अभी अगर हम बात करें बिटटॉरेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे 6,54,000 यहाँ पे फॉलोअर है, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो ये डेली बेसिस पे यहाँ पे अपना अपडेट देता रहता है। अगर हम इसका BTFS का बिटटॉरेंट फाइल सिस्टम का माइनर्स के बारे में बात करें तो ये 3.1 मिलियन एक्सेड हो चुका है। काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ अपडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रोन के द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन का अपडेट, काफ़ी कुछ चीज़ें भरा पड़ा हुआ है इसका अपडेट्स का डेली बेसिस पे, और एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ ये एक्टिविटीज़ जो है वो मार्केट पे लाता रहता है। तो इसी सभी चीज़ों से ये मालूम होता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। काफ़ी सारे लोग जो है वो ये ट्वीट करते हैं, ये वो बोलते हैं कि ये बिटटॉरेंट कॉइन जो है एक डेड कॉइन बन चुका है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बिटटॉरेंट कॉइन कब से कब इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है, ये हमेशा से इस टाइप का ही रहा है। जब भी एक बुल रन आया है तब प्रॉफिट दिया है, और इस बार भी जब बुल रन आएगा, क्योंकि इस बार होल्डर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया का बात नहीं, मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। और अगर आप ग्लोबल लेवल पे मतलब फॉरेनर्स का यूट्यूब चैनल को देखेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, तो कितना कुछ अपडेट्स के साथ में कितना कुछ चीज़ें जो है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, वो लोग बोलते हैं, तो जो कि मतलब हमें नहीं पता होता है, क्योंकि उन लोग के पास ज़्यादा मतलब एक टूल्स रहता है इसको जानने के लिए। तो इसीलिए अगर आप देखें बिटटॉरेंट का जो चीज़ें बनता जा रहा है, जो बिटटॉरेंट का एक फील्ड जो बनता जा रहा है, वो काफ़ी ह्यूज बनता जा रहा है। आने वाला टाइम में जो बिटटॉरेंट हमको रिटर्न देगा, वो शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। इसीलिए बिटटॉरेंट को होल्ड कीजिए, टाइटली होल्ड कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया बिटटॉरेंट बेनिफिट देगा आने वाला टाइम में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग जो है बिटकॉइन के ऊपर आस लगाए बैठे हुए हैं, मैं मुझे पता है ये चीज़, तो आप लोग सिर्फ होल्ड करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, और कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज़ें हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इसके साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।